नोनी हो चुकी है क्या? कहीं है सोचिए जरा आप, बेटा रख दा भी है, रख दा उसको लाकर रख दा भी है। फेंकी नहीं कोई, लेकिन एक में फेंकी मोस्ट और मांग के खाता और देखो मैं किसी के साथ जबरदस्ती करने का मेरा ए नाना कहीं जा, जबरदस्ती करके अगर आपसे छुड़वा भी दिया ना तो वापस आप खा दन। मैं आपसे ये सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि अगर आप ओरिजिनलिटी में इंसान हो, ज्यादा थोड़ी सी भी अगर नेकी अच्छा ही अपने परिवार के प्रति अच्छी भावना हो तो दोस्तों मैं तो आपके बच्चे जैसा हूँ ना, तो आप मेरे काका जी लगते हो, ना फूफा जी लगते हो, ना नाना जी लगते हो। आप खूब खाओ, भले एक डिब्बी से जरा सा लेके नहीं खाओ, बाल्टी भर भर के खाओ मेरी तरफ से। मेरे बाप का क्या जा रहा है क्या कुछ नहीं। आप लोगों में से कई लोग पाउच खाते हैं, लेकिन बताइए आज मैं किसी से प्रतिज्ञा भी नहीं करवाऊ, मैं क्यों प्रण करवाऊ यार आप लोगों से? मैं कौन होता हूँ? आप लोगों को इतनी बात सुनाएगा, इसमें अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो अपनी इच्छा से ला करके रख दो के साथ हमारी डिब्बी रखी कि आज के बाद में नहीं खाएंगे। कोई नहीं खाता कि आप में से इतने में सिर्फ ये कि आपने और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भगवा ध्वज की खा करके कि जर्दा नहीं खाऊंगा। अभी टोटल सामान खाने का तो मेरी रोज हम दुकान में लेते बंद करती है। सर कांडा ला सर नहीं वो नहीं वो सिर्फ मेरा ओनली फोकस है जर्दा बीडी पे खा। चलो वो बंद करी, मैंने जर्दा की डिब्बी फेंकी और बीडी सिगरेट चाय अभी चल रहा। तो जरा भैया लोग और तुम आलू प्याज लहसुन चल दूर बैठ के सुन रहे हो खाली? ये तो करो पहला, ये एक तो खाता है साइड में बैठा है, तू खाता है ना? ये साइड में बैठा है दादी। हाँ चार ही नहीं खाया वो, देखा कहीं देखो नहीं तो वो कहीं आप में से कोई भी नहीं खाता इतनों में से, ईमानदारी की बात बताओ। तो बीड़ी पीते हो तो भैया ये क्या, हमने भाषण थोड़ी दिया आप लोगों के यहाँ? ये मैंने मेरे दिल की बात बताई है और हकीकत जानकारी बताई है आपको, सत्य घटना बताई है। शुरू कर दी छोड़ दी नहीं, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, लेकिन मैंने आपको सत्य घटनाएं सुनाई जितनी भी सुनाई है। और सर इनने फेंक तो दी पर ही मांग के खाएगा नहीं खाएगा। देखो भी करता कभी मान लो, देखो तो भले गलत चीज है, एक उसे काय की तुलना कर दे, उसकी तुलना काय से करी, तंबाकू की तुलना काय से करी, फिर भी खाए तो बढ़िया खाओ। जो अपनी बहन की अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं कर सकता उस इंसान को चल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए 2 रुपए अगर सेविंग नहीं कर सको आप लोग, एक बताइए एक तुच्छ चीज को आप अपने पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो, मतलब अपनी बेटी को दुखी करने के लिए तैयार हो, अपनी बीवी को दूसरे की अवस्था शिकार बनाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप एक पाउच एक जर्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? आधा आदमी ना तो कर देगा साहब ऐसे। क्या हम इतने नीच हो चुके हैं क्या? हम इतने गिर चुके हैं क्या? हमारी इस मामले में आपसे गुजारिश थी, अगर आप लोगों की मर्जी है, लेकिन स्वच्छता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मेरा अब हाई स्टेप डायरेक्ट आप लोगों के ऊपर जारी कर चुका हूँ मैं, कोई भी व्यक्ति सामने आएगा अगर हकीकत कह रहा हूँ मिट्टी भी लेके नहीं गया तो मैं केस बना दूंगा। किसी ने अगर अब शब्द बोले तू शब्द गंदी बात भी अगर जरा सी भी बोल दी, और वो तो छोड़ो गालियां सुनने की तो आदत पड़ी हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी गालियां दोगे उतने ज्यादा मोटा होऊंगा मैं क्या, और उतनी लंबी उम्र होगी मेरी, भगवान ने मेरे को बनाया इस तरीके से, नहीं मानना आप, पता नहीं कौन सा नक्षत्र चल रहा होगा जिसमें मैं पैदा हुआ, लेकिन एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ कोई व्यक्ति अगर बाहर अब मेरे को जाता दिखा, मैं उस व्यक्ति को अगर मैंने पकड़ा अगर बाहर जाते हुए, तो मैं अब सीधा प्रकरण बनाऊंगा आप लोगों के खिलाफ अगर मिट्टी आप लोगों ने नहीं डाली तो। वो सोचा भी मुझे फटाफट तैयार चाहिए आप लोगों के यहाँ, मैं ये भी सुनना नहीं चाहता सर, काम चल रहा है वो चल रहा है, सारी चीजें हो चुकी हैं, मावट भी आने वाली थी वो भी नहीं आ रही है, भगवान भी मेहरबान है सब लोगों को, फिर पैसे भी
अच्छे है, गेहूँ चने भी खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास हुए, कोई कमी नहीं इस साल किसी के पास। अगर इतने में भी अगर आप लोग नहीं बनाना चाहते हो तो हमको शर्माती है, हम ज्यादा दिन आगे गांव में रहने लग जाए ना तो हमको भी शर्माने लग जाती है, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है एक महीने में कैसे भी कंप्लीट करना, मतलब करना गांव को मुझे। अगर आप नहीं समझ रहे हो इतने में तो आप प्रकरण के लिए तैयार रहना, आप सीधा केस बनेगा आप लोगों के खिलाफ। और बोलिए कि इसमें किसी को कोई समस्या हो तो वो बताइए, आपके सर ये समस्या रहे तो हम उसका निराकरण करें। सब लोग यही बैठे हो आप, आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो तो आप बताइए कि सर ये दिक्कत है हमको। ये कोई समस्या समस्या है तो क्या होता है, जाओ बालिका जा रहे हैं उसको चेक करो, जाओ ना उसको चेक करो, जाओ 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 पायल दोनों जाओ तो जरा चेक करता हो गई सर। जाऊँ क्यों सर, जाऊँ को वहाँ तक फोन लेके।